नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय अकाउंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, काफ़ी दिन बाद मिले हैं, तो आप आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और घर में ही होंगे। हम भी घर में हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आपको पता है कि बंद है बिकॉज ऑफ COVID-19। सो टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, MTP। आपने फेमिलियर होंगे, आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ MTP? MTP इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP। अब MTP क्या है? MTP हम एक बोल सकते हैं कि रूल्स है, एक्ट है, एक लेजिस्लेशन है जो कि प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल लो, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW जो अपन बोलते हैं, वहां से ये बनाया हुआ है एक्ट है। और एक्ट बना कब था? एक्ट बना था 1971। ठीक है, MTP एक्ट कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MTP बना कब था? 1971 में। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से आता है, केम इन टू फोर्स, कि MTP फोर्स में कब आया? MTP एक तरह से अपन हिंदी में अगर बोले तो MTP कब लागू हुआ और कब से उसका पालन करना स्टार्ट किया। तो लागू हुआ 1971 में और उसका पालन करना कब से स्टार्ट किया? 1972 में। और 1975 में MTP को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लेकिन वो कॉमनली एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया लेकिन वहां पर कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन मेनली आपसे जो पूछेगा कि MTP केम कब आया, ठीक है, और दूसरा केम इन टू फोर्स, कब इसका पालन करना स्टार्ट किया, तो वह 1972। अब नेक्स्ट बात आती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ MTP, कि MTP होता क्या है। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। MTP इज सेफ हाइजीनिक, MTP इज सेफ हाइजीनिक एंड लीगल, MTP सेफ हाइजीनिक एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन मतलब फीमेल का कौन सा वीक चल रहा हो, 20 वीक चल रहा हो उससे पहले, बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिकॉग्नाइज्ड प्लेस, बाय MOHFW। ठीक है, ये है आपकी MTP की डेफिनेशन। एक बार वापस रिपीट करो, MTP सेफ है, हाइजीनिक है, ठीक है, हाइजीनिक, हाइजीन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाता है, स्टराइल टेक्निक MTP कंडीशन में मोस्टली यूज की जाती है, स्पेशली सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंड लीगल है, कोई भी इलीगल MTP नहीं होता, अगर इलीगल होगा तो उसको MTP के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, और MTP कब बोलेंगे उसको, जब प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट की हो, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये वर्ड का मतलब क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर आप किसको बोलोगे, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपन उसको बोलेंगे जिस पर्सन ने कम से कम एटलीस्ट 25 MTP असिस्टेड बिफोर। ठीक है, जिस ऑब्स्टेट्रिशियन ने कम से कम कितनी MTP असिस्ट की हो, 25 MTP पहले असिस्ट की हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर में भी दो कंडीशन लगती है, कि अगर बिफोर 12 वीक अगर अपन अबॉर्शन करा रहे हैं, मतलब बिफोर 12 वीक अगर अपन MTP करा रहे हैं, और एक आफ्टर 12 वीक अपन MTP करा रहे हैं, तो बिफोर 12 वीक अगर MTP कराएंगे तो कितने क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, ओनली वन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और आफ्टर 12 वीक करा रहे हो तो इट रिक्वायर टू
क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 वीक के बाद डिफिकल्ट होती है, 12 वीक के बाद इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती कि हमको दो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, लेकिन बात क्या होती है, सब कुछ विटनेस की बात होती है, क्योंकि लीगल प्रैक्टिस है तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है तो विटनेस दूसरा उसके कम होते हैं, लेकिन अगर दो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे केसेस पहले असिस्ट किए होंगे, अच्छे अच्छे केसेस उसमें देखे होंगे, बहुत सारे लीगल केसेस जो मेडिकल केसेस में उन्होंने असिस्ट किया होगा, तो विटनेस के लिए प्रूफ हो जाता है हमारे पास। इसलिए 12 वीक के बाद जो कर रहे हो तो हमको टू क्वालिफाइड है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर 12 वीक से पहले अगर एमटीपी करते हैं तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो हमने एमटीपी किया है जो फीमेल का किया है उसका हस्बैंड उसके पेरेंट्स ज्यादा कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन 12 वीक के बाद इंटरफेयर करते हैं क्योंकि 12 वीक हो चुके हैं, 20 वीक के आसपास हो चुके हैं, 12 वीक के बाद अगर कर रहे हैं तो बच्चा जो है काफी ग्रो कर चुका है यूट्रस में, तो दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट इट, इसलिए हमको कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, टू क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि मैंने लिखा है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बाद एट रिकॉग्नाइज्ड प्लेस बाय MOHFW। MOHFW क्या है वो मैं बताता हूँ। MOHFW है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है MOHFW? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर आपने सुना होगा, वो इसका इंचार्ज होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी वैकेंसीज आती है नर्सिंग की, चाहे मेडिकल की, चाहे पैरामेडिकल की, जो भी मेडिकल फील्ड की, वो यहीं से अप्रूव होकर आती है। आप किसी वैकेंसी के ऊपर देखोगे तो हर एक वैकेंसी के ऊपर लिखा रहता है कि अप्रूव्ड बाय MOHFW, अप्रूव्ड बाय मेडिकल, सॉरी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो जो भी प्लेस पर एमटीपी कंडक्ट आप करा रहे हो, जिस प्लेस पर आप एमटीपी कंडक्ट कर रहे हो, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऐसे किसी प्लेस पर कोई जनरल हॉस्पिटल में या जनरल क्लिनिक पर एमटीपी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, ये लीगल प्रैक्टिस है, तो इसलिए जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया, सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराया जो कि लीगल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जनरल जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक होते हैं, उनको ये मान्यता नहीं दी हुई, ठीक है। तो उनको ये एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो गया एमटीपी की डेफिनेशन। नेक्स्ट एक कंडीशन बताता हूँ कि जब भी आप एमटीपी कर रहे हो तो इट रिक्वायर कंसेंट, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी प्रोसीजर अपन करते हैं, कोई भी इनवेसिव प्रोसीजर करते हैं, एक्सेप्ट पेरिफेरल वेनस कैनुला, पेरिफेरल वेन में कैनुला लगा रहे हैं तो उसके लिए अपने को कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, कंसेंट की जरूरत पड़ती है। और कंसेंट कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट। इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट मतलब बिफोर टेकिंग द साइन यू शुड एक्सप्लेन, यू शुड इन्फॉर्म द होल प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर आपको इन्वॉल्व एक्सप्लेन करना है पेशेंट को एज वेल एज उसके रिलेटिव को, क्लोज रिलेटिव को, ठीक है। पूरा प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करने के बाद उसके इंडिकेशन की क्या प्रॉब्लम है मदर को, जिस प्रॉब्लम की वजह से हम कर रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग द सर्जरी या ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट डेथ भी हो सकता है, सारे कॉम्प्लिकेशन आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करने, उसके बाद आपको पेशेंट को पूछना आर यू एग्री, कि आप एग्री हो करने के लिए, रिलेटिव को पूछना है कि आर यू एग्री, उसके बाद आपको पेशेंट का साइन लेना, उसको बोलते हैं अपन इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट, ठीक है। पहले इन्फॉर्म करके फिर रिटर्न पेशेंट के साइन ले लिए कि आई एम एग्री, तो फिर हमको प्रोसीड करना, ठीक है। और ध्यान रखें कि कंसेंट की अगर बात करें तो कंसेंट में भी कंडीशन आती है, ठीक है। अगर पेशेंट की एज इज लेस देन 18 ईयर, मतलब अगर पेशेंट क्या है, एडोलेसेंट है, तो हमको क्या करना होगा, पेशेंट का कंसेंट तो चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंट मतलब माइनर कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन में हमको पेशेंट सेल्फ का कंसेंट तो चाहिए होगा। एक और कंडीशन लगा देता हूँ इसमें, और साइकेट्रिक पेशेंट, ठीक है। अगर पेशेंट को साइकेट्रिक इलनेस है तो साइकेट्रिक इलनेस भी आपको पता है कि एक तरह से माइनर है, साइकेट्रिक पेशेंट भी इनसाइट नहीं होती है उनमें, ठीक है, दे आर अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन भी, क्या प्रॉब्लम हुई है उसको, तो हो सकता है कि वो भी ऐसे साइन दे दे, ठीक है। तो अगर पेशेंट एडोलेसेंट है या पेशेंट को कोई भी साइकेट्रिक इलनेस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का सेल्फ का कंसेंट लेंगे, ठीक है। सेल्फ का कंसेंट तो लेना ही लेना है, अगर ये अनअवेलेबल है तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ किसका कंसेंट लेना है, क्लोज रिलेटिव का कंसेंट, ठीक है। किसका कंसेंट भी लेना है साथ साथ, क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव में कौन आएगा, उसका हस्बैंड आएगा, उसके पेरेंट्स आएंगे, कोई दूर का रिलेटिव, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फॉर रिलेटिव का आपने कंसेंट लिया, कजिन वगैरह, कोई दूर के कजिन हो गए उनका कंसेंट लिया, नहीं, ठीक है। पेशेंट का खुद का कंसेंट, और पेशेंट अगर नहीं दे पा रहा है इसमें तो लेना ही, इस कंडीशन में पेशेंट का कंसेंट लेना है,
ठीक है। और पेशेंट के साथ साथ उसके रिलेटिव का कंसेंट मस्ट लेना ही है, क्योंकि पेशेंट क्या है इसमें, एडोलेसेंट है या साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि पेशेंट नहीं दे पाए, या फिर हो सकता है कि पेशेंट कंडीशन के बारे में अनअवेयर हो, क्योंकि या तो माइनर पेशेंट है, या माइनर कैटेगरी में आता है पेशेंट, या फिर साइकेट्रिक इलनेस है, या फिर आपको क्या दूसरा साधन आपको क्या करना है, क्लोज रिलेटिव का कंसेंट तो आपको चाहिए चाहिए, तो ये तो आपको मस्ट है। लेकिन दूसरी कंडीशन बनती है कि पेशेंट की एज, पेशेंट की एज अगर मोर देन 80 ईयर है और पेशेंट नो एनी मेंटल इलनेस, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल इलनेस पेशेंट में नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको किसका कंसर्न लेना पड़ेगा, पेशेंट का सेल्फ का कंसर्न तो चाहिए ही चाहिए, तो मस्ट है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्लोज रिलेटिव का कंसर्न भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि हो सके कि क्लोज रिलेटिव बाद में बोले कि हमने तो बोला नहीं था, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो वो भी अपने पास एज ए प्रूफ रहेगा। वैसे यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन लेने वाला है वो पेशेंट ही है, अगर पेशेंट ने कंसेंट दे दिया तो हमको ज्यादा मेडिको लीगल इश्यू नहीं होता है, फिर भी अपनी साइड सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज रिलेटिव का कंसेंट भी लेके चलते हैं, ताकि बाद में कोई मेडिको लीगल केस बने तो हम सेफ हैं, ठीक है। तो सब दिस वाज अबाउट कंसेंट, हर एक प्रोसीजर के लिए, ऐसा नहीं कि एमटीपी में इस टाइप का कंसेंट है, हर एक प्रोसीजर के लिए ये कंसेंट है कि अगर पेशेंट माइनर है, पेशेंट को कोई साइकेट्रिक इलनेस है, तो पेशेंट के अलावा उसके रिलेटिव का कंसेंट देना है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो भी आप ये कर सकते हो सेम, और पेशेंट की एज अगर 18 ईयर से ज्यादा और पेशेंट को कोई भी इलनेस नहीं है, तो पेशेंट का सेल्फ का कंसेंट और उसके साथ साथ उसके रिलेटिव का कंसेंट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे ये मस्ट होगा और यहाँ पे क्लोज रिलेटिव का कंसेंट मस्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कंसेंट ऑफ एमटी। नेक्स्ट आपके सामने बात आते हैं कि इंडिकेशन ऑफ एमटीपी, कि कौन कौन सी कंडीशन में आप एमटीपी कंडक्ट कराओगे, कौन कौन सी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि कोई भी कंडीशन हुई, मदर ने आके कोई भी कंप्लेन की या फिर कुछ भी आके बोला, क्योंकि लीगल प्रैक्टिस है, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई कि जिनके अंदर आप एमटीपी कर सकते हो। तो मोस्ट कॉमन कंडीशन जो होती है एमटीपी कंडक्ट करने के लिए वो होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मल, क्या होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर बच्चे को कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में अगर बच्चे का बर्थ भी होगा तो भी बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सपोज करो डाउन सिंड्रोम है, कोई भी अदर डिसऑर्डर है जिसमें आपको लगता है कि इसमें एमटीपी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सर्वाइवल के बाद भी उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो। लेकिन आपके पास सारे इसके प्रूफ होने चाहिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आपने कैसे डिटेक्ट किया, कि आपके पास बायोप्सीज की रिपोर्ट थी, या कि आपके पास कोई भी आपने चेकअप किया हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए, उसका उसकी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एनी रेप केसेस, रेप केसेस में भी आप एमटीपी कंडक्ट करा सकते हो। रेप केसेस आर कम्स अंडर द मेडिको लीगल केसेस, मेडिको लीगल केसेस होते हैं, कोई भी रेप हुआ है उस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पे आपके पास एमएलसी मेडिको लीगल केसेस के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ड्यूरिंग द सर्विलेंस ऑफ द पुलिस, ठीक है, पुलिस सर्विलेंस के अंडर ये होना चाहिए, उस कंडीशन में आप एमटीपी कर सकते हो। थर्ड, मदर विद साइकेट्रिक इलनेस, अगर मदर को कोई भी साइकेट्रिक इलनेस है, स्पेशल साइकेट्रिक इलनेस में दो टाइप के डिसऑर्डर आते हैं, तो आता है साइकोटिक डिसऑर्डर और एक आता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में हम एमटीपी कंडक्ट मोस्टली नहीं करते हैं, स्पेशली कौन से डिसऑर्डर में करते हैं हम, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि मदर को इनसाइट नहीं रहती है, मदर के अंदर इनसाइट प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए मदर क्या ट्राई करती है, बच्चे को हार्म कर सकती है, मदर अनअवेयर रहती है बच्चे के बारे में, उसकी केयर नहीं करती है। इसमें मोस्ट कॉमनली कंडीशन कौन सी आती है, डिप्रेशन, मदर को सिज़ोफ्रेनिया है, इन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली ये कंडक्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि डिप्रेशन अगर मदर को है तो ये क्या कर सकता है, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिस कंडीशन में मदर अपने बच्चे की केयर नहीं करती है, बच्चे को हार्म करने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, एमटीपी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की हुई है, सपोज करो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, या फिर कोई भी कॉपर टी पेशेंट में प्लेस की हुई है, अगर वो फेल्ड होती है,
और उसका पेशेंट के पास प्रूफ है या आपके पास कुछ प्रूफ है तो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज अनविलिंग। ठीक है, ये अनविलिंग कंडीशन है, पेशेंट डज नॉट वॉन्ट द प्रेगनेंसी बट पेशेंट इज बीइंग प्रेग्नेंट, इसकी वजह से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कंडीशन विच इज हार्मफुल टू मदर एज वेल एज फीटस, एक कंडीशन और में, ठीक है, इन कंडीशन के अलावा ऐसी कोई भी कंडीशन आपको लग रही है, ठीक है, कि जिस कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मदर के लिए और उसके बच्चे के लिए अगर हार्मफुल बन सकता है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, एमटीपी कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन इस कंडीशन के अंडर मोस्ट ऑफ द इलीगल प्रैक्टिस आपकी की जाती है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे फिजिशियन क्या करते हैं कि ये डायग्नोस कर देते हैं कि कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी जिसमें मदर की लाइफ थ्रेट हो सकती है, फीटस की लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो एमटीपी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन का बी माइंडेड, ठीक है, अच्छे से इसको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं फिजिशियन कर रहे हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इसको आपको देख के चलना है। ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेशन, कॉमन इंडिकेशन इन विच कंडीशन वी परफॉर्म द एमटीपी, के इन कंडीशन में अपन एमटीपी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेथड्स, ठीक है, कि एमटीपी के क्या क्या मेथड्स अपने होते हैं। ठीक है, एमटीपी के मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली एमटीपी के तीन मेथड्स होते हैं, मेडिकल मेथड्स, दूसरा होता है सर्जिकल मेथड और तीसरा होता है नॉन सर्जिकल मेथड। नॉन सर्जिकल मेथड और सर्जिकल मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है और इसको ऑपरेशन थिएटर या स्पेसिफिक एरिया में कंडक्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोला है सर्जिकल मेथड, और ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर इसलिए इसको क्या बोला है, नॉन सर्जिकल मेथड। फर्स्ट है मेडिकल मेथड, सेकंड है सर्जिकल मेथड एंड थर्ड है आपका नॉन सर्जिकल मेथड। अब फर्स्ट की बात करते हैं कि मेडिकल मेथड के अंदर, तो मेडिकल मेथड के अंदर फर्स्ट आता है आपका एमटीपी किट। ठीक है, आपने अच्छे से नाम सुना होगा, मेडिकल मेथड के अंदर फर्स्ट आता है आपका एमटीपी किट। अब एमटीपी किट के अंदर क्या आता है, एमटीपी किट के अंदर टोटल 5 मेडिसिन आती है। एमटीपी किट के अंदर कितनी मेडिसिन आती है, टोटल 5 मेडिसिन आती है। कैसे कैसे आती है, ठीक है, 1 टेबलेट ऑफ मेफीप्रोस्टोन, 1 टेबलेट ऑफ मिफीप्रोस्टोन जिसका डोज कितना रहता है 200 मिलीग्राम, और 4 टैबलेट ऑफ मेसोप्रोस्टोन इसका डोज रहता है 200 माइक्रोग्राम पर टैबलेट। ठीक है, तो मैंने बताया एमटीपी किट में कितनी टैबलेट आती है, टोटल 5 मेडिसिन आती हैं। पहली टैबलेट होती है आपकी मिफीप्रोस्टोन जिसका डोज रहता है 200 mg, और 4 टैबलेट कौन सी होती है, मेसोप्रोस्टोन की जिसका डोज कितना रहता है 200 माइक्रोग्राम पर टैबलेट। एक टैबलेट का 200 माइक्रोग्राम है, तो 4 टैबलेट का कितना डोज हो गया आपका 800 माइक्रोग्राम, आपका 4 टैबलेट का डोज हो गया 4 टैबलेट इज इक्वल टू 800 माइक्रोग्राम। अब बात आती है कि टैबलेट करती क्या है, इनका एक्शन क्या होता है, तो मेफीप्रोस्टोन का आपने सुना होगा, मेफीप्रोस्टोन क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का एंटीडोट भी बोलते हैं इसको, एंटी प्रोजेस्टेरोन, एंटी प्रोजेस्टेरोन है, तो मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को बढ़ाना। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट में कोई मेडिसिन दे रहे प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे रहे, मतलब प्रोजेस्टेरोन को कम कर रही है, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था, प्रेगनेंसी को बढ़ाना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। लेकिन एंटी प्रोजेस्टेरोन देती है मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करेगा, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, टोपोलाइटिक एजेंट है, यूट्रस को सप्रेस करके रखता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन नहीं आने देता, ऑक्सीटोसिन वगैरह इनको सप्रेस करके रखता है। लेकिन अगर आपने एंटी प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो यूट्रेन टोपोलाइटिक एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, यूट्रेन सप्रेशन की तरह काम नहीं करेगा, मतलब यूट्रस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि ऑक्सीटोसिन वगैरह उस पर काम कर सके। ठीक है, दूसरी चीज है मेसोप्रोस्टेरोन, तो मेसोप्रोस्टेरोन का आपने सुना होगा ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस, और प्रोस्टाग्लैंडिंस तो आपने डायरेक्ट सुना होगा क्या करवाते हैं,
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। क्या कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस ग्लैंडेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। एक तो आपने एंटी प्रोजेस्टेरोन दे दी जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर रही है, दूसरी आपने क्या दे दी एसिड ड्रग दे दी यूट्रस में, क्या करा रही है कॉन्ट्रैक्शन करा रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा यूट्रस में सरफेस एरिया जो था वो कम हो जाएगा, और यूट्रस में सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फीटस के अंदर बाहर पुश होगा, फीटस जो है फीटस विल बी पुश्ड इन आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बाहर की साइड पुश होगा और उसको वो फीटस जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आते हैं कैसे इनको देना है, ये चार पांच टेबलेट मैंने बताई है कि इनको एडमिनिस्टर कैसे कैसे करना है कब करना है वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि मेथड ऑफ गिविंग एमटीपी किट, ठीक है देना बहुत इजी है लेकिन इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग मदर को एब्डोमेन पेन इनसे हो सकता है तो इसलिए बहुत सारे इलीगल प्रैक्टिस की जाती है तो कृपया ऐसी इलीगल प्रैक्टिस ना करें। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर मैंने वर्ड इसलिए बोला क्योंकि वो पेशेंट जो ऑलरेडी देख चुका है विटनेस इन कंडीशंस का इसके वजह से, ठीक है तो देना कैसे तो सबसे पहले मैं बात करूं डे जीरो या डे वन कुछ भी बोल लो, डे जीरो पे आपको क्या करना है वन टेबलेट मिथिप्रोस्टोन, क्या दोगे वन टेबलेट मिथिप्रोस्टोन 200 मिलीग्राम और कौन से रूट से दोगे इसको ओरल रूट से, ठीक है वन टेबलेट मिथिप्रोस्टोन डे वन पे 200 मिलीग्राम कौन से रूट से दोगे ओरल रूट से दोगे फॉलोड बाय इसके बाद आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है और कौन से रूट से दोगे इसको पर वेजाइना, ठीक है मिथिप्रोस्टोल आपको कौन से रूट से देना है पर वेजाइनल सपोजिटरी फॉर्म में इसको एडमिनिस्टर करना है। मिथिप्रोस्टोन ओरल टैबलेट होती है और मिथिप्रोस्टोन कैसे होती है वेजाइनल टैबलेट होती है, वेजाइनल सपोजिटरी इसको अपन बोल सकते हैं। तो पहले दिन पे आपने मिथिप्रोस्टोन दे दी उसके 48 आवर्स के बाद आपने चार टैबलेट मिथिप्रोस्टोन की 800 माइक्रोग्राम चार टैबलेट की डोज थी कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर दी पर वेजाइनल रूट से एडमिनिस्टर कर दी। इसके बाद क्या होता है विद इन फोर आवर 96% प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजल। इसके बाद क्या होता है ठीक है जैसे आपने 4 टैबलेट एडमिनिस्टर करी 800 माइक्रोग्राम की पर वेजल टैबलेट जो आपने एडमिनिस्टर करी इसके बाद क्या होता है विद इन 4 आवर 96% प्रोडक्ट क्या हो जाता है एक्सपेल आउट हो जाता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है अगर किसी कंडीशन में ये फेल हो अगर आपको लगता है कि 96% प्रोडक्ट या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जो एक्सपेल आउट हुआ है कंप्लीट प्रोडक्ट जो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो एडमिनिस्टर 2 टैबलेट 2 और टैबलेट आप किसकी मिथिप्रोस्टोन की पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हो जिसका डोज कितना रहेगा 400 माइक्रोग्राम सेम रूट रहेगा आपका पर वेज और ये प्रोवाइड करने के बाद इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई है बहुत ही कम ठीक है अप्रोक्सीमेटली 1% केसेस होते हैं ये वापस से अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो 2 टैबलेट ऑफ मिथिप्रोस्टोन तो अगर फेल होता है मतलब बहुत कम इसकी फेलियर रेट है इसकी सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा हाई है लेकिन इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आप प्रोस्टाग्लैंडिन पेशेंट को दे रहे हो एंटी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो तो बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं पेशेंट को सीवियर एब्डोमिन पेन नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को हो सकता है ठीक है पेशेंट बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग पेशेंट में हो सकती है तो इसलिए बी अवेयर अबाउट द साइड इफेक्ट ठीक है कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को कोई भी हो सकता है पेशेंट को शॉक हो सकता है बहुत ज्यादा सीवियर वर्स्ट एब्डोमिन पेन हो सकता है तो इसको ऐसे ध्यान रखें कि इसको केयरफुली दें क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अब एमटीपी किट को कब लेना चाहिए ठीक है फीमेल की प्रेगनेंसी के बाद कब एमटीपी किट को आपको लेना चाहिए ऐसा नहीं कि 20 वीक पे आप एमटीपी किट को यूज कर रहे हो फिर तो सर्जिकल मेथड क्यों यूज करेंगे मैंने बोला कि इट इज द बेस्ट मेथड तो सर्जिकल मेथड क्यों बनाए फिर अगर एमटीपी की सक्सेस रेट मेडिकल मेथड की सक्सेस रेट बहुत हाई है तो क्यों बनाए कुछ ना कुछ तो रीजन होगा क्योंकि ये बेस्ट है 63 डेज में अगर ले लिया तो इसका इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा 63 डेज में गुड इफेक्ट ऑफ मेडिकल गुड इफेक्ट ऑफ एमटीपी किट 63 डेज में अगर इसको ले रहे हो तो अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट इफेक्ट चाहिए इफ यू वांट बेस्ट इफेक्ट ऑफ एमटीपी तो इसको कब लेना होगा विद इन 49 डेज कब लेना होगा विद इन
49 डेज के अंदर अगर एनटीपी को एडमिनिस्टर कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट इफेक्ट उसमें बहुत ही कम 1% से भी कम इसमें फेलियर रेट पेशेंट के अंदर देखने को मिले। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ मेडिकल मेथड। दूसरा मेडिकल मेथड में एंटीबिकेट मैंने बता दिया, और भी कुछ चीजें देते हैं मेडिकल मेथड में। दूसरा होता है मिजोप्रोस्टोल, जो थी अपनी जो प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव था मिजोप्रोस्टोल, उसके साथ साथ टेमोक्सिफेन भी देते हैं। क्या देते हैं? टेमोक्सिफेन भी अपन एडमिनिस्टर करते हैं। टेमोक्सिफेन का डोज रहता है 20 mg। जो टेमोक्सिफेन का एक्शन क्या रहता है, ये क्या है, एंटी एस्ट्रोजन। क्या है टेमोक्सिफेन? एंटी एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन क्या करता है? अपर यूट्राइन सेगमेंट को प्रिपेयर करता है, उसका हाइपरप्लेजिया करता है। ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट की ग्रोथ कराता है ताकि इम्प्लांटेशन वहां पे प्रॉपरली हो सके, उसको प्रिपेयर रखता है, उसको सिक्रेटरी बनाता है। लेकिन अगर आप पेशेंट को एंटी एस्ट्रोजन दे रहे हो तो एंटी एस्ट्रोजन दे रहे हो तो हाइपरप्लेजिया ना होके क्या होगा, एट्रोपी होगी, यूट्रस की ग्रोथ कम हो जाएगी, उसको प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा फिटस का, मतलब वो सेपरेट यहाँ पे हो सकता है। साथ में आप क्या दे रहे हो, मिजोप्रोस्टोल दे रहे हो जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करा रहा है, तो इसके वजह से भी फिटस जो है बाहर एक्सपेल आउट हो सकता है। लेकिन मेथड ऑफ गिविंग जो है वो सेम है कि फर्स्ट मेथड की तरह, लेकिन सक्सेस रेट जो थी पहले मेथड की ज्यादा है, इसलिए उसको मेन एमटीपी किट के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, टेमोक्सिफेन क्या है, एंटी एस्ट्रोजन। इसके बाद थर्ड मेथड जो आता है वो आता है टेबलेट मिजोप्रोस्टोल। यहाँ पे भी 4 tablets आपको यूज करनी है, सब जगह मिजोप्रोस्टोल आपको 4 tablets सेम रूट, मिजोप्रोस्टोल प्लस टेबलेट मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। अब नियोप्लास्टिक या नियोप्लाजिया मतलब क्या होता है, कोई भी न्यू ग्रोथ। ठीक है, कोई भी सेल्स अगर आपकी ग्रोथ कर रही है तो उसके अगेंस्ट में काम करते हैं एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, ग्रोइंग फिटस को फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगी, मतलब अपन बोल सकते हैं प्रिवेंट द फर्दर डिवीजन ऑफ द फिटस। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट क्या करेगी, प्रिवेंट द फर्दर डिवीजन ऑफ फिटस, लिख सकते हैं अपन मेथोट्रेक्सेट क्या करेगी, प्रिवेंट द फर्दर डिवीजन जितने सरफेस एरिया में आपका फिटस फैला हुआ है उसमें 50 mg/m², या फिर ये लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो 1 mg/kg इतना भी इसका डोज अपन दे सकते हैं, 1 mg/kg इसका डोज अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एथोट्रेक्सेट तो क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी और ये क्या कराएगा, कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, तो कॉन्ट्रेक्शन के फोर्स की वजह से फीटस जो है बाहर एक्सपेल आउट यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड में 3 तरह के मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि कौन कौन से मेथड हम यहाँ पे यूज कर। नेक्स्ट बात आती है सर्जिकल मेथड ऑफ एमटीपी की। सर्जिकल मेथड कौन कौन से होते हैं एमटीपी के, आपने सुना होगा हॉस्पिटल में वो भी कॉमनली प्रैक्टिस किए जाते हैं सर्जिकल। सर्जिकल मेथड के अंदर आता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, दूसरा आता है डायलेशन एंड क्यूरेट। ठीक है, और भी मेथड है मैं बता रहा हूं, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, ये एक कॉमन मेथड है जो कि कब यूज किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको पूछे कि बेस्ट मेथड या कॉमनली यूज मेथड कौन सा होता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। सक्शन एंड इवैक्यूएशन क्या होता है, जस्ट मीनिंग क्लियर है, सक्शन मतलब एक प्रेशर लगा के एक वैक्यूम क्रिएट करके फीटस को बाहर इवैक्यूएट करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एमटीपी में जो सक्शन का प्रेशर रहता है, एमटीपी में जो सक्शन का प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 500 to 600 mm एमटीपी में सेक्शन का प्रेशर कितना रहता है, 500 to 600 mm इतना रहता है सेक्शन का प्रेशर इन एमटीपी। ठीक है, तो सक्शन इवैक्यूएशन, पहले इसको सक्शन किया, ठीक है, वैक्यूम लगा के प्रेशर अप्लाई करके और इसको बाहर इवैक्यूएट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं अपन, सक्शन इन इवैक्यूएशन। और प्रेशर कितना रहता है सर, 500 to 600 mm।
दूसरा मेथड होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, आपने सुना होगा अच्छे से डी एंड सी भी इसको अपन बोलते हैं। तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन मतलब इंक्रीज द डायमीटर, तो डायमीटर हम किसका इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज डायमीटर या डायलेट द सर्विक्स, डायमीटर ऑफ सर्विक्स बाय हेगा डायलेटर, ठीक है। हेगा डायलेटर आते हैं मेटल की बनी हुई स्टिक टाइप रहते हैं, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में ऐसे ही सेम हेगा डायलेटर रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर के रहते हैं, ठीक है। 16, 20, ठीक है, 10, 8, 12, सब तरह के नंबर रहते हैं उसमें। जितना आपको सर्विक डायलेट करना है उतने साइज का भी यूज कर सकते हो। ट्राई ये करना है कि स्मॉल साइज यूज करना है, धीरे धीरे साइज बड़ा बड़ा के सर्विक्स को आपको डायलेट करते जाना। पहले कम साइज का यूज किया, फिर दूसरे ज्यादा साइज का यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विक्स को डायलेट करते जाना है। और जैसे सर्विक डायलेट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूरेटेज। क्यूरेटेज का मतलब क्या होता है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब, स्क्रैपिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कभी कभी अपन दिवाली आती है क्या कराते हैं, घरों में कलर करवाते हैं, कलर करवाते हैं, जब क्या करता है जो कलर करने वाला होता है कारपेंटर वगैरह जो भी होता है कलर करने वाला, वो क्या करता है पुराने कलर को क्या करता है दीवार से छुड़ाता है, ठीक है, रिमूव करता है। तो कैसे रिमूव करता है, एक रेग मार्क, उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या होता है रेग मार्क। तो रेग मार्क से पहले क्या करता है, वो घिसता है उसको, उसको ही बोलते हैं स्क्रैपिंग, पुराने कलर को निकालना, ठीक है। तो सेम हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्विक्स को डायलेट किया, और डायलेट करने के बाद हमने क्या किया, क्यूरेटेज। क्यूरेटेज मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको स्क्रैपिंग किया, उसको निकाला, उसको छुड़ाया, ठीक है। जैसे अपन कभी कभी तवे पे रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो कुछ भी चिपक जाता है तो उसको अपन छुड़ाते हैं, तो उसको भी अपन स्क्रैपिंग बोलते हैं। तो सेम स्क्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट आता है क्यूरेट, ठीक है, स्क्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ क्यूरेट। क्यूरेट दो तरह के आते हैं, शार्प क्यूरेट भी आता है, ब्लेड क्यूरेट भी आता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आप शार्प यूज कर रहे हो। आपको अगर ज्यादा अच्छे से स्क्रैपिंग करनी है, ज्यादा डीप में स्क्रैपिंग करनी है तो शार्प यूज करो, और आपको सुपरफिशियली करनी है, ज्यादा डीप नहीं करनी, पेशेंट इंजर होने के ज्यादा रिस्क है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लेड क्यूरेट यूज करना, ठीक है। तो किससे करोगे, स्क्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ क्यूरेट, इट मे बी शार्प क्यूरेट और इट मे बी ब्लेड क्यूरेट, लेकिन ट्राई ये करेंगे ब्लेड को यूज करें, क्योंकि ब्लेड जो है पेशेंट को प्रिवेंट करता है कि पेशेंट को इंजरी ना, ठीक है। तो ये आपको बात याद है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, ठीक है, आप सक्शन के साथ इवैक्यूएशन कर सकते हो, ठीक है, सक्शन क्यूरेटेज भी कर सकते हो, सक्शन के बाद सक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्ट को खींचा, उसके बाद आप क्यूरेटेज भी कर सकते हो, कोई सा भी मेथड आप किसी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सक्शन इवैक्यूएशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद थर्ड में आपको बताता हूं, थर्ड मेथड होता है इंट्रा यूट्राइन इंस्टीलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेल, इंट्रा यूट्राइन इंस्टीलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन। अब ये क्या मेथड है, इंट्रा यूट्राइन इंस्टीलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन, हाइपरटोनिक सेलाइन क्या करने जा रही है, इसमें क्या करेगी हाइपरटोनिक सेलाइन, वो मैं आपको बता, आप बस इसको ऊपर लिखते हैं, सॉरी फॉर द टाइम, इंट्रायूट्राइन इंस्टीलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन, ठीक है। इस मेथड में क्या यूज किया हमने, हाइपरटोनिक सेलाइन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हाइपरटोनिक सेलाइन किसको बोलते हैं, जिसकी ऑस्मोलरिटी हमारी प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी से ज्यादा हो, हायर हो, उसको क्या बोलते हैं अपन हाइपरटोनिक, और जिसकी कम हो उसको हाइपोटोनिक, और जिसकी प्लाज्मा की इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, एक रेंज होती है उसके इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सेलाइन। तो इस कंडीशन में अपन क्या यूज करते हैं, या तो 20% नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं, या 40% अपन यूरिया, यूरिया की जो कंसेंट्रेशन होती है 40% में, वो भी क्या होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, वीडियो में आपको बताया भी था, क्लास में आपको बताया भी था कि हाइपरटोनिक अगर टोन बढ़ गई मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब ऑस्मोलिटी बढ़ गई, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी में एडमिनिस्टर करूंगा तो क्या करते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ऑस्मोलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑस्मोलिटी अगर बढ़ी, ऑस्मोलिटी बढ़ी तो कौन सा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा,
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूड को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दो प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फ्लूड को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फ्लूड को अपने से दूर भेजेगा। ये तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, हाइपरटोनिक सलाइन दिया है। हाइपरटोनिक सलाइन मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो ये फ्लूड को अपनी साइड अट्रैक्ट करे। ठीक है, देखिए अब कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एडमिनिस्टर 20% NS और 40% यूरिन इनटू यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में इतना एडमिनिस्टर आप कर दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अमाउंट की, कि कितना करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पूरा बोतल उसमें एडमिनिस्टर करना है, इतना नहीं। ठीक है, आपको कितना एडमिनिस्टर करना है यहाँ पे। ठीक है, जेस्टेशनल एज जो फीमेल की है उसमें 10, उसका 10 टाइम। ठीक है, सपोज करो जेस्टेशनल एज उसकी 100, सॉरी जेस्टेशनल एज उसकी क्या है 10 वीक है, तो 10 इंटू 10 कितना आप एडमिनिस्टर करोगे, 100 ml करोगे। ठीक है, इन ml जो आपका आंसर आएगा इसमें वो क्या करोगे, ml में आप एडमिनिस्टर कर दोगे। सपोज करो जेस्टेशनल एज 20 वीक है तो कितना करोगे, 200 ml उसको आप एडमिनिस्टर करोगे। ठीक है, जैसे आपने एडमिनिस्टर किया तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। और एमनियोटिक फ्लूइड की कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो क्या पड़ेगा वहां पे, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोलिटी बढ़ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट द फ्लूइड फ्रॉम फिटल बॉडी, बच्चे की बॉडी से क्या करेगा, फ्लूड को अट्रैक्ट करेगा, बच्चे की बॉडी फ्लूड को रिलीज करेगी और फ्लूड बाहर आएगा, बच्चे की बॉडी से फ्लूड लॉस होगा और इसके वजह से क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और डेथ किसके वजह से होगी, डेथ ऑफ द फिटस ड्यू टू फ्लूड लॉस, डेथ ऑफ द फिटस ड्यू टू फ्लूड लॉस। फ्लूड लॉस की वजह से क्या हुई, फीटस की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद उसको आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, चाहे सक्शन एंड इवैक्यूएशन यूज करो, क्या यूज करो, चाहे सक्शन एंड इवैक्यूएशन यूज करो या फिर डायलेशन एंड क्यूरेटेज भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह से ऐसा मेथड हो गया तड़पा तड़पा के मारना फीटस को। ठीक है, ऐसे मेथड है, एक फनी मेथड है। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, बच्चे को डेड किया एक तरह से, उसकी बॉडी को बॉडी में से फ्लूड का लॉस करवाया, फ्लूड का लॉस करवाने के बाद उसकी डेथ हो गई, डेथ कराने के बाद उसको क्या किया, एक्सपेल आउट कर लिया बाहर। वो मेथड होता है इंट्रायूट्रा इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, और यूज किया यहाँ पे 20% नॉर्मल सलाइन या 40% यूरिया का हमने यूज किया। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्जिकल। थर्ड मेथड मैंने बताया नॉन सर्जिकल मेथड, नॉन सर्जिकल मेथड में आता है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। नॉन सर्जिकल मेथड में क्या आता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन मैंने बोला कि नॉन सर्जिकल मेथड क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। ठीक है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, तो इसके वजह से यहाँ पे नॉन सर्जिकल मेथड बोल दिया। इस मेथड में क्या करते हैं, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ 98-100% प्रोडक्ट, एस्पिरेशन ऑफ 98-100% प्रोडक्ट इन ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर, इन ओपीडी बेस प्रोसीजर विद द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करके ओपीडी में भी इसको कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी इसको अपन कर सकते हैं। और अपन क्या करते हैं, 98% प्रोडक्ट को अपन बाहर एक्सपेल आउट या स्प्रेड कर लेते हैं वैक्यूम अप्लाई करके। और इसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट is immediately discharged,
पेशेंट को क्या कर देते हैं, इमीडिएटली अपन डिस्चार्ज भी कर देते, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को अपन एडमिट करने की जरूरत होती है, जैसे अपने स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होते हैं वासेक्टोमी वगैरह, तो उसमें ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देकर अपन डिस्चार्ज कर देते हैं कि ज़्यादा हैवी वर्क ना करे, ज़्यादा कोई ऐसा वर्क ना करे, रेस्ट करे, जो भी हेल्थ एजुकेशन होती है इस प्रोसीजर से रिलेटेड हम पेशेंट को देके इमीडिएटली यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिलिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती, ठीक है, स्टेरिलिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि पेशेंट को सर्टेन इन्फेक्शन हो सकते हैं पोस्ट प्रोसीजर, घर पर जब भी पेशेंट गया तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में अगर आपने अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की या कोई स्टेरिलिटी प्रॉपर ग्लव्स वगैरह कंटामिनेटेड हुआ तो पेशेंट को इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए नॉन सर्जिकल मेथड यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। हालांकि सेफ मेथड है लेकिन ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इनमें हो सकती है, ठीक है ना। दिस वाज अबाउट मेथड ऑफ एमटीपी। एमटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मेडिकल मेथड के कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई दिए, पेशेंट को सीवियर एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है सीवियर, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है पेशेंट में शॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सारी चीज़ अपने को मेंटेन करनी है, पेशेंट को केयरफुल मॉनिटर करना है, कार्डियक मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पेशेंट को फ्लूड एडमिनिस्टर करना है प्रॉपरली, ताकि पेशेंट जो है प्रॉपर अपने आप को कोपअप कर सके। सर्जिकल मेथड सेम, जो सर्जरी के जो भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वो कॉम्प्लिकेशन आप हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसे कोई भी इम्प्रॉपर हीलिंग हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, पेन रिलीविंग पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ताकि पेशेंट यहाँ पर आराम से रिकवर अपने आप को कर सके, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट एमटीपी, आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ठीक है। और मेरे इस चैनल को अपॉन इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है, तो वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, ओके।